कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करूर, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपको प्रश्न ये है कि करियर एंड मनी लाइफ में ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हम आपके लक लाइन पे ध्यान दें तो लक लाइन की कंडीशन आपकी बेटर होती चली जा रही है और करेक्ट अप्रोक्स 36 और 7 के ही एज में इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यानी अलगाव हो रहा है और फिर उसका 43-44 में भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 36 के एज तक अप्रोक्स लक में किसी भी तरह से कोई परेशानी या करियर में या अर्निंग्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, इवन उसके बाद भी नहीं आएगा। लेकिन आपके करियर में चेंजेस 36 के एज में और अप्रोक्सीमेटली 42 के एज में देखने को मिलेगा। करियर में जैसे कि कोई नए तरीके का काम करना, नए प्लेस पे जाके काम करना या नए तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना, तो ओवरऑल आपका करियर कंटिन्यू रन होता रहेगा लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस समय समय पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आप कभी भी फुली सेटिस्फाइड किसी भी विषय को लेकर के नहीं हो पाते हैं, खासकर करियर या फाइनेंस को लेकर के। तो लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर जब इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है तो कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडररेटेड काम करते हुए देखने को मिलते हैं या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस जो आपके हक में है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, आपकी मेहनत क्रेडिट शायद कोई और ले जाए। तो इस तरीके से मेंटेलिटी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसके कारण काम में फिर मन ही ना लगे, एक तरीके से उदासीनता आने लगे। तो इस कंडीशन में जब आड़ी रेखा सूर्य पे हो तो करियर में खासकर जॉब में सेटिस्फेक्शन या सक्सेस इनफ नहीं मिलता है। लेकिन मरकरी माउंट की स्थिति कहीं ना कहीं बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन है और आपके माइंड लाइन में भी बायफोर्क का साइन है जो मल्टी टैलेंटेड या मल्टी टास्किंग स्किल्स डेवलप करता है। इसलिए जब आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे और उसके द्वारा जब आप अर्निंग करेंगे या करियर एज ए डेवलप करेंगे, चाहे आपका पैशन आर्ट हॉबी हो वो या इंटरेस्ट हो, तो उसमें जा करके आपको सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस और इनफ अमाउंट में अर्निंग या सक्सेस भी देखने को मिलेगा। ये चाहे आप अभी शुरू कर सकते हैं या कुछ समय बाद करिए, लेकिन अपने खुद का काम जरूर करिए, क्योंकि यहाँ मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप अच्छी हो रही है और अगर ये लाइन और स्ट्रांग होती है देन आफ्टर पैसा अच्छा आना रुकना या पैसों का सदुपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर सन रेमेडी पर ध्यान देते हैं तो करियर में बहुत ही स्मूथनेस आएगी, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड इनफ सक्सेस नेम रिस्पेक्ट ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं अपने ही लोग षड्यंत्र रचेंगे, कलीग से संबंधों में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, बड़े जो लोग हैं जैसे बॉस या अथॉरिटीज़ उन सब से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसलिए इसका उपाय करना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो पाम में जब एक से अधिक यूनियन लाइन होती है तो एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट ये डेफिनेटली देता है। दूसरा, अगर लव या अरेंज मैरिज की बात करें तो जुपिटर पे आपकी क्लियर कट आड़ी रेखा स्ट्रांगली रन कर रही है और ये अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा लेकर के जाती है। अब जुपिटर माउंट और उस फिंगर पे हमको आड़ी रेखाएं भी देखने को मिल रही है कि आपकी जो पसंद रहेगा उसके कहीं ना कहीं विरुद्ध में आपके परिवार वाले आएंगे, जिनसे वैचारिक अनबन मतभेद रहेगा। और जुपिटर माउंट पे आड़ी रेखा होने के कारण यह अंततः अपने माता पिता, गुरुजन या घर परिवार वालों के सहयोग से मैरिज को इंडिकेट करता है, यानी अरेंज मैरिज को। अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा कन्फर्म इन आड़ी रेखाओं के कारण हो रहे हैं और घर परिवार के विरुद्ध अगर आप गए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सफलता या उस रिलेशन में आपको सफलता मिलने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स में कहीं ना कहीं कमी आएगी आपके फैमिली के द्वारा। तो आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स या मन के अकॉर्डिंगली अगर मैरिज करने आप जाएंगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी लेवल पर फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है वो प्रोमिनेंट है और बहुत अच्छे ढंग से एक्टिव हो रही है। अलग अलग तरीके की सपोर्टिव लाइन अलग अलग तरह से लोगों के द्वारा सहयोग दिलाती है, लेकिन ओवरऑल इन्हें गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं जो मेजरली अपने पार्टनर फैमिली के द्वारा सपोर्ट दिलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैरिज के रिगार्डिंग तो आपके मैरिज होने के जो चांसेस हैं यहाँ पर हम देखें तो 29 के एज में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर यूनियन लाइन रन हो रही है और 29 की ही एज में लाइफ लाइन के पैरेलल भी हम देखें तो आपकी नए नए तरह की रेखा, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये रेखा हो गई, कुछ अनदर लाइंस हो गई, जो इस तरह की लाइंस एक साथ जो रन होती है यही मैरिज पीरियड को इंडिकेट करती है, जो अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 के मिड का पीरियड दिखा रहा है कि इसी पीरियड में आपका मैरिज बहुत अच्छे ढंग से होने वाला है।
आपका जुपिटर माउंट पे आड़ी रेखा सक्सेस आफ्टर मैरिज एंड स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करेगी, और शुक्र माउंट डेवलप इनफ अमाउंट में आपको मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज कंफर्ट्स दे देने वाला रहेगा। आपके पाम में रेखाएं बहुत सारी हैं और बहुत सारी वरीज लाइन हमें हर जगह पर दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मूड स्विंग इश्यूज होने के कारण इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप अपने इमोशंस की ज़्यादा देख के चलेंगे, नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग करेंगे, तो अननेसेसरीली स्ट्रेस एंड वरीज एनजाइटीज लाइफ में आएगा, जिसके कारण बने बनाए काम भी बिगड़ेंगे, या उन चिंताओं के कारण क्लिनिकल डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस वरीज किसी भी रूप में मौजूद रह सकता है लाइफ में। कभी फैमिली को लेकर के, कभी करियर को लेकर के, कभी अपने ही मन को लेकर के, जैसे कि मन विचलित रहना, मन काम में नहीं लग पाना, मन भटकना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मेडिटेशन को सबसे पहले अपने लाइफ में ऐड करना चाहिए, देन आफ्टर योगा। बहुत सिस्टमेटिकली लाइफ रन करने के लिए समय पर, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, लोगों से पॉजिटिवली इंगेजमेंट को बढ़ाना, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एट्रीब्यूट्स रखना, जिसमें अच्छी चीज़ें ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे माहौल में ही रह रहे हैं, और अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए या लाइफ में खुशियों को बढ़ाने के लिए मंदिर विजिट करते रहना डेली बेसिस पे आपको ज़रूरी है, या कुछ कुछ समय के अंतराल में डेफिनेटली जाना ही चाहिए। तो ये आपके लाइफ में इन सब तरह की नेगेटिविटीज़ को बहुत ओवरकम करेगा, जिसके कारण हर विषय को लेकर के आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रन हो सकेगी। अब इसके बाद में आपका फाइनेंशियल ग्रोथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, तो जैसा हमने लक लाइन पे बताया कि लक लाइन पे करियर में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, अब वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन पे, तो लाइफ लाइन से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो ये लक लाइन जब भी निकलती है, तो उस पीरियड में लाइफ में बहुत पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, या हम जिस काम में एफर्ट डालते हैं सफलता मिलती ही है। तो करेक्ट 30, 32, 36, 7 एंड 40 के एज में भी प्रोग्रेस लाइन है, इवन उसके बाद भी है। तो ये सब कॉम्बिनेशन खुद की प्रॉपर्टी दिलवाता है, और घर, गाड़ी, तमाम तरह की लग्जरीज या मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में इन सब पीरियड में डेफिनेटली ऐड होने वाली है। इसके बाद में फाइनेंशियल अगर ग्रोथ की बात करें, तो फाइनेंस आपके पाम में कुल मिलाकर के अच्छा शो हो रहा है, क्योंकि जो लक लाइन की हर तरफ से अवेलेबिलिटीज है वो स्ट्रांग है, जिसके कारण कहीं ना कहीं से पैसा आना या पैसे की तंगी कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलना। और जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखाएं सक्सेस आफ्टर मैरिज इसीलिए देती है क्योंकि रॉयल्टी, लक एंड कम्फर्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज होता है, जिसके कारण इकोनॉमिकल कंडीशन एंड फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम कन्फर्म करें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लक लाइन इंडिपेंडेंट है एक, और दूसरी मून लक लाइन अवेलेबिलिटीज़ है। मून लक लाइन जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस दिलाती है, फॉरेन कनेक्शन दिलवाती है, या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी दिलाती है। मून लक लाइन अपने इंटरेस्ट, पैशन या मन के अकॉर्डिंगली जो काम करने जाते हैं उसमें सफलता भी देती है। तो इनफ अमाउंट में ये पैसा निश्चित रूप से देती है। आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से, या फिर एक तरीके से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहने की ज़रूरत है। शुक्र की आड़ी रेखाएं बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में लेकर के जाती हैं, लेकिन बहुत जल्दी निकाल भी देती है या डिसइंटरेस्ट दे देती है उस रिलेशनशिप को लेकर के या व्यक्ति को लेकर के, क्योंकि कमियां या खामियां बहुत दिखने लगता है। तो शादी के बाद भी ये चीज़ हो सकती है आपके साथ कि आप बोर हो जाएं या डिसइंटरेस्ट आ जाए या नेगेटिविटीज ज़्यादा हो जाए। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसी एक्सेप्ट करना चाहिए, गलतियों को भूल आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए पार्टनर को लेकर के, तो ये आपकी मैरिड लाइफ को और बेटर एंड बेस्ट करता जाएगा। इवन उन सारे रिलेशन आपके बहुत बेटर होते चले जाएंगे, तो फिर आपको किसी भी रिलेशन से डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, फिर जीवन में कोई भी छूटेगा नहीं, सब साथ में आपके देखने को मिलेंगे। सैटर्न माउंट की आड़ी रेखा जब भी होती है तो बेफिजूल का चिंतन मनन कराती है, मूड स्विंग्स एंड इमोशंस में फ्लक्चुएशंस लगातार हो रहे होते हैं, इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। मेडिटेशन का जो सजेशन दिया वो रेगुलर बेस करिए या प्राणायाम करिए, मंदिर डेली विजिट करना यानी इन सब नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना, देन आफ्टर आपकी लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करेगी, उसके बाद लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, इनफ सक्सेस एंड इनफ मनी देखने को आपको मिलेगा। तो इसीलिए ओवरऑल आपकी लाइफ करेक्ट 29 एंड 30 के एज से प्रोग्रेसिव हर विषय को लेकर के दिखाई दे रही है, और खुद का घर या गाड़ी
करेक्ट 29-30 के एज में ही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद भी कुछ कुछ समय के अंतराल में प्रगति है जो लाइफलाइन पे भी एज मेजर करके दिखाया गया। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।